हाय, व्हाट्स योर नेम? सो फाइनली यहाँ पहुंच गए हैं, ये रहा न्यूयॉर्क। दिन का नजारा भी देख लेते हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या व्यू है, बहुत बढ़िया। नीचे भी नहीं दिख रहा है कुछ भी। Hi guys, Zonvirti here. Welcome to my channel. कैसे हैं आप लोग सब? तो कल रात मैंने इस होटल में चेक इन किया था। अगर आपने व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ जाके चेक कर लो। बहुत ही अच्छा होटल है, रूम अच्छा है, कोजी सा है, एंड रात को अच्छे से नींद आई मुझे। पता नहीं लगा कब मैं सो गया। एक्चुअली कल रात को मैंने दो व्लॉग्स शूट किए थे, वीडियो टाइप के। एक व्लॉग जो शूट किया था मैंने होटल के बारे में था, ये जो रूम के बारे में पूरा टूर दिया था आप लोग को। इतना ज़्यादा इन डेप्थ नहीं दे पाया, बट जितना हुआ उतना किया। उसके बाद मैं यहाँ पर नाइट लाइफ इंजॉय करने के लिए चला गया था। मैं बहुत बार यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी में नाइट लाइफ मैंने इन्जॉय की है दोस्तों के साथ, बट कल ऐसा था कि अकेला था और मैं सोचा चलो जाते हैं और घूमते हैं, और आप लोग तो हो ही साथ में, तो फिर कल गया और इन्जॉय किया। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10, तो अभी मैं चेकआउट कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क सिटी में अमेरिकन ब्रेकफास्ट एक करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि यार अमेरिकन ब्रेकफास्ट जो यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी में होता है क्या क्या मिलता है और लोग क्या प्रेफर करते हैं। लेट्स गो देखने। तो इनके पास भी मेन्यू अच्छा है, ब्रेकफास्ट मेन्यू है, ब्रोकली ब्रेकफास्ट, एग्स एनी स्टाइल चॉइस, ये $49 का है। ओह, और इस पर एड ऑन्स है, ये कर सकते हैं आप लोग। $11 का बेकन है, चिकन एप्पल सॉसेज $11 का, टर्की बेकन, सारा नॉनवेज आइटम ये, मशरूम्स है। और यहाँ पर क्या है, ये 3 eggs $23 के, 3 अंडे का, ये महंगा है। कल सैटरडे था जब मैंने गाड़ी पार्क की थी, तो रात को तो पार्किंग फ्री थी, और संडे या सारा दिन पार्किंग यहाँ पर फ्री रहती है। पास में एक ब्रेकफास्ट प्लेस मैंने ढूंढी थी, वहाँ जाते हैं। तो गाड़ी मैंने एक्चुअली ज़्यादा दूर पार्क नहीं की थी, ये रहा अपना होटल, और आगे यहाँ पर गाड़ी पार्क की है। तो मुझे जाना है 50th Street पे, ये 47th Street है, और दो स्ट्रीट आगे वो है 50th Street, तो वहाँ पर जाते हैं। और ये जो जगह है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, ये इसका नाम है न्यूयॉर्क लंच नेट। पहली बार जा रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी जगह है न्यूयॉर्क सिटी में जहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे बेगल्स मिल जाएंगे। एक्चुअली में ना न्यूयॉर्क का जो सबसे फेमस बेगल है ना, वो ट्राई करना चाहिए था यार। सो पहुँच गए यहाँ पर 50th Street पे। यूजली मैं अपना स्केटबोर्ड या साइकिल लेके आता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है, बट कोई बात नहीं, ये 50th Street, और शायद अंदर जाना है मुझे यहाँ पर। ये जगह देखो, ये चर्च है यार, कितनी खूबसूरत, ऊपर देखो क्रॉस, वाओ। सो फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं, ये रहा न्यूयॉर्क लंच नेट ब्रेकफास्ट। थैंक यू। ब्रेकफास्ट मेन्यू है, ओपन 7 days। पहले मैंने यहाँ पर आकर कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है। यहाँ पर देखो एग्स मिल जाएंगे आप लोगों को, एनी एग स्टाइल इज $8 से चालू होता है, और उसके बाद एग ऑमलेट है जो कि $12 से चालू होता है, स्पेशलिटी ऑमलेट $17 चालू होता है, ग्रीक ऑमलेट है यहाँ पर। और यहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं मोस्टली कॉफ़ी और प्लेन पैनकेक्स है जो $11 है, फ्रेंच टोस्ट $11। पैनकेक्स मुझे इतना ज़्यादा मैं खाता नहीं हूँ, और ये वॉफल है, वॉफल मैं खा सकता हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑमलेट खाऊँगा। हाय, और अभी अभी जो मेरे टेबल के सामने जो दो लड़कियाँ बैठी हैं, तो वो लोग भी टिकटॉक वगैरह यूज़ कर रही थी, तो मेरी उनसे बात हुई, तो उनसे मैंने पूछा है कि आप लोग अमेरिकन्स हैं तो आप लोग क्या प्रेफर करते हैं ब्रेकफास्ट में खाना, तो लेट्स टॉक टू देम। हाय गर्ल्स, हाय, व्हाट्स योर नेम? मरिया मरिया एंड लूसी लूसी सॉरी आई जस्ट स्पोक टू यू गाइस रैंडमली
And so I'm making these YouTube videos about like American breakfast. Yes. About, so what do you prefer eating in breakfast? Like when you go out and like eat? Today I chose just waffles and bacon, but I usually go for eggs. I love scrambled eggs. Scrambled eggs. What kind of a typical American breakfast that you would make at home? Eggs and bacon. Eggs and bacon? At home too? Yes. What about you? What's like breakfast? So I normally go for like hash browns, sausage, bacon, the classic like English breakfast. So you are from London, yeah. England, right? And you are from Italy. I'm from Italy. But you guys have been living in America a long time, right? Well, I have. I've been living here for about 10 years. She just having pizza. Okay, so we know now what British people eat and what Italy, yes. Right? Italian, yes. Italian. I call you Italian. Yes, Italian. So thank you so much. Thank yes, you. Thank you. White le raha waffle or creamer ki, aur main blueberries hain, strawberries hain, jo main add kar raha hu. Kha ke dekhte hain. Sorry, main maple syrup to dalna bhool hi gaya. इन्होंने मुझे बटर भी दिया है, टोस्ट भी दिया, अभी ये बाइट इसकी लेके देखता हूँ. बड़े अच्छा है, इट्स नॉट बैड. नाउ हाउ इज योर ब्रेकफास्ट लुकिंग? इट्स गुड. यू लाइक इट? सो आई सी यू डू नॉट पुट एनी मेपल सिरप. यू डोंट लाइक? आई यूज बटर. अभी मैं खा रहा हूँ सनी साइड अप ऑमलेट, जिसको ज़्यादा पकाते नहीं हो लोग, और अमेरिकन बहुत प्रेफर करते हैं ये खाना, और मैं भी बहुत प्रेफर करता हूँ. सॉरी किसी को पसंद नहीं है, बट यहाँ के लोग यही खाते हैं, और खाते खाते मुझे भी आदत हो गई है. इंडिया में भी खाता था मैं ये. What do you guys do? Well, I work at home, but we're actually here in New York for an acting school. Ooh, you guys are acting? Yeah. That's so nice. Yeah, we're here for mostly acting, but we actually just got offered to come into the school for a full 2 years. For a full college degree. Congratulations. Yeah, and we got offered some scholarships too. So. And you guys mostly have your breakfast outside, or you guys cook? We just wanted to go out today, but we mostly cook right now. Look, मेरा बिल दिखा देता हूँ. मैंने ये अंडे ज़्यादा मंगाए थे, बहुत सारे, 2 प्लेट अंडे मंगाए थे, और वॉफल मंगाया था. मेरा आया $49. How much was your bill? We did it separately, but mine was $21.94. Your alone was $21? $21, yeah. Mine was $15.46. So it is ROHAN, and then the first one is me. Okay, thank you. Please subscribe to his channel. He's amazing. Thank you so much. Thank you so much. यूजली कैसा होता है कि बिल आप आपके टेबल में भरते हो, बट यहाँ पर कैसा है कि बिल वो लोग ला के देते हैं, आपको यहाँ पर आके देना पड़ता है. यहाँ पर बिल दे रहे हैं ये लोग, दे रहे हैं पहले लड़कियाँ, फिर बाद में मैं दे दूँगा. व्हाट टाइम डू यू गैस ओपन? नो नो, व्हाट टाइम डू यू गैस ओपन इन द मॉर्निंग? 7 to 5. ओके, थैंक यू. Thank you so much. Bye-bye. Bye. You guys are awesome.